अस्सलाम वालेकुम मिनाज, कैसे मिजाज आप? खैरियत से? मेरा नाम है उसामा, उसामा उमेर। आज का जो किस्सा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपनी सिस्टर के साथ, जो मेरी सिस्टर के साथ हुआ था। पेशे से वो एक्ट्रेस हैं और आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी अच्छी बातचीत भी है उनसे, सारा उमेर। और ये किस्सा है उनका 2012 का, जब वो मरी और नथिया गली में शूटिंग कर रही थी अपने ड्रामा परी के लिए, A+ के, और काफ़ी बड़ी कास्ट थी उस ड्रामे में। मैं 3-4 नाम बताऊंगा, शहूदल भी हो गए और सलीम अनाज साहब हो गए, अरीज फातमा हो गई, काफ़ी सारे लोग थे। खैर, किस्से की जानिब चलते हैं। किस्सा इस तरह से था कि 27वीं शब की जो है वो रात थी, और ये लोग के जहन में ये बात नहीं थी कि 27वीं शब की रात है। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि इनका जो होटल था वो नथिया गली में था, और आपको तकरीबन जितने भी मेरे सुनने वाले हैं ज़्यादातर लोग नथिया गली और मरी से वाकिफ़ हैं कि नथिया गली में जो लोग रहते हैं वो मरी नीचे आते हैं शॉपिंग करने के लिए नॉर्मली, क्योंकि बाज़ार नीचे ही बना हुआ है। इसी तरह से होता था कि रमज़ानों का वक्त था 2012 का, तो इनकी शूट्स थी, तो ये नीचे सामान वगैरह लेने के लिए आए, बिकॉज़ क्योंकि वहाँ के टाइमिंग्स कुछ इस तरह से होते हैं नथिया गली और उमरी के कि फजर के टाइम पे सब बंद हो जाता है, और मगरब से पहले यानी कि रोज़ा खुलने से पहले दुकानें खुल जाती हैं और फिर पूरी रात खुली रहती हैं, और फिर लाइक फजर तक सब कुछ खुला रहता है और उसके बाद बंद होता है। तो ये सब लोग नीचे गए थे ज़रा कि चलें कुछ लेकर आ जाते हैं चीज़ें वगैरह। तो ये सब लोग वापसी पर जब ऊपर आ रहे थे, तो आपको पता ही है कि एक साइड पे वो पहाड़ी और एक साइड पे खाई है, और उस खाई में कितने बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो उगे हुए हैं और बिल्कुल घने दरख्त हैं। खैर, अब रास्ता तो काटना था सबने, फिर सोचा किया जाए क्या किया जाए, तो सबने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया। वन बाय वन सबकी बारियाँ आ रही, इन लोग गाने गा रहे। अच्छा, सारा जो है उस वक्त घर में मेरी मदर से बात कर रही थी, यानी अपनी मदर से बात कर रही थी। वो अपने पास टाइम में वो इसी तरह से करती थी कि वो घर पे ज़रूर फ़ोन करके कि क्या मसरूफियात रही क्या नहीं रही है, वो इस तरह से बताती थी कि अभी कहाँ से आ रही हैं कहाँ जा रही हैं। तो अपने मामूल मतलब अपने स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो उसी तरह से उन्होंने कॉल मिलाई, वो बात करती जा रही। अचानक से सारा बोलती है, अच्छा चलो रुकें, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरी मदर ने भी परेशानी में बोला कि क्या हो गया? उसने कहा बस मैं बात करती हूँ, मुझे बुला रहे हैं ये लोग ज़ोर ज़ोर से, और सब चुप हो गए। अचानक से गाना बंद हो गया और कुछ लोग आगे निकल गए। खैर, जब दोबारा सारा की कॉल आई तकरीबन आधे घंटे बाद, तो उसने बताया कि सब लोग गाना गाते हुए जा रहे थे, और सारा एज यूजुअल ज़रा बात करते करते, ज़ाहिर सी बात है जब आप फ़ोन पे बात करो तो कभी कभी आप स्लो हो जाते हो, आपका ध्यान सारा कॉल की तरफ होता है, तो सामने वाले आगे निकल गए और सारा थोड़ी सी पीछे रह गई तकरीबन 20-25 कदम। अब क्या होता है कि एकदम से सबने ज़ोरों से सारा को आवाज़ देनी शुरू की कि जल्दी आओ जल्दी आओ, और सब चुप हो गए, ज़रा सहम गए। सारा ने हुआ क्या है, तो सब ने इशारा किया। जब ये सिर्फ सारा ने नहीं, ये ऑन द होल जितनी भी क्रू थी उस वक्त ड्रामे की मौजूद, जो नीचे गए थे और ऊपर वापस आ रहे थे, उन सब ने वो चीज़ देखी। दरख्तों में से ना कोई शक्ल दिखी ना कुछ, सिर्फ दो गुस्से से भरपूर आँखें, प्रॉपर गुस्से से भरपूर आँखें, जैसे एक आग बगोला आँखें हो रही होती हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि लाल सुर्ख आँखें, वो भी गुस्से वाले एक्सप्रेशंस के साथ दिखाई दे रही, बड़ी बड़ी, किसी नॉर्मल इंसान की इतनी बड़ी आँखें होती नहीं हैं। और ऐसे ही एक पेड़, दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, वो जो तकरीबन ये 6-7 पेड़ों के ऊपर सिर्फ आँखें दिखाई दे रही, जो इन सबको घूर के गुस्से से देख रही हैं। तो सब हैरान हुए कि ये क्या है, फिर उनको ख्याल आया कि ये तो अभी फजर का वक्त होने जा रहा है, और ये 27वीं शब थी जिसमें ये लोग गाना गाते हुए जा रहे थे, सब लोग अंताक्षरी खेलते हुए। तो सबको ख्याल आया कि यार ये तो हमने काफ़ी गलत हरकत कर दी है। तो
मतलब सबने अपनी जो भी अपने हिसाब से दुआएं पढ़नी शुरू करी, हिसार बांधने शुरू किए। सारा ने भी वो चीज़ देखी, सारा ने भी फौरन रायतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और हिसार बांधना शुरू किया, और सब बस खामोशी से जल्द अज जल्द अपने कदमों को तेज़ तेज़ करके अपने गेस्ट हाउस की तरफ आ गए। अच्छा, उस गेस्ट हाउस की भी एक अजीब बात है कि जिस गेस्ट हाउस में ये लोग रुके हुए थे, अब आपको तो पता ही है कि वहाँ के गेस्ट हाउस भी कितने हॉन्टेड किस्म के हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उस गेस्ट हाउस का मीना साहब, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे कि सारा ये बताती हैं, इनको जो कमरा मिला था उस कमरे की खासियत ये थी कि वो आई थिंक से वो फर्स्ट फ्लोर की साइड पर था और पीछे उसकी खाई थी। उस खाई के पास स्पेसिफिक रात के 3 बजे के करीब, एग्जैक्ट रात के 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के करीब एक अजीब सी चिल्लाने की चीखने की आवाज़ आती थी किसी औरत की, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत दर्द भरी आवाज़ हो, प्रॉपर दर्द भरी। और उसके फौरन बाद बहुत सारे गधे, डोंकीज, गधे बोलना शुरू हो जाते थे, वो जो एक उनका ख़ास स्टाइल होता है, जैसे कहते हैं ना लोग मनहूसियत होती है, गधे रोना शुरू हो जाते थे उस खाई के अंदर से जो भी होते होंगे। बस वो एक टिपिकल खास वक्त होता था। प्लस सारा जिस रूम में रुकी हुई थी उस रूम में भी कोई चीज़ थी, उसने नुकसान नहीं पहुंचाया कभी उस चीज़ ने। और आपको पता भी है कि सारा थोड़ी सी निडर किस्म की है वो उन चीज़ों को, क्योंकि वो अपना नमाज रोज़ा ये हर चीज़ करके रखती हैं, हिसार बांध के रखती हैं, पाकीज़गी का ख्याल रखती हैं, तो लिहाजा उनको इन चीज़ों से इतना कोई डर लगता नहीं है। मतलब वो बिला वजह के लिए आप कह सकते हैं कि चैलेंज भी नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली इस डर लगने का मतलब ये नहीं कि हम उनको चैलेंज करना शुरू हो जाएं, उनका मजाक उड़ाएं, लेकिन ये कि आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, यार साहब है। खैर एनीवे, तो यही था कि उस कमरे में भी किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होता था, क्योंकि एक बार सारा के पैर में मोच आ गई थी और सारा कराची आ चुकी थी, ईद की छुट्टियां हुई थी 3-4 दिन की, तो सारा कराची आ गई थी। जब दोबारा सेकंड स्केड्यूल के लिए वापस गई तो सारा के पैर में मोच थी। आप यकीन नहीं करेंगे, सारा ने खुद बताया कि सारा रात में सो रही थी, उसको बकायदा फील हुआ कि जैसे उसका पैर किसी ने उसके मोजे उतारे हैं और बकायदा उसके पैर पर किसी ने आहिस्ता आहिस्ता मसाज टाइप किया है, मालिश करी है। सुबह जब वो उठती है उसके पैर का दर्द वाकई ख़त्म हो चुका था, कुछ नेचुरली ऐसी कोई चीज़ हुई है और मोजे उसके उतरे हुए थे। तो बस ये था एक किस्सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इंशाल्लाह हमें जो आगे भी मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ अपने और भी किस्से शेयर करूंगा जो पर्सनली मेरे साथ हुए हैं। मैं बताता चलूं कि मेरे मेरा जो पहला ऑफिस था वो था 39K Block 6 बंगलो, सी ट्रैकर प्राइवेट लिमिटेड का जो बंगला था, जो कि आज की तारीख में सबसे मोस्ट हॉन्टेड घर कहलाया जाता है कराची की तारीख का। इंशाल्लाह ताला उससे रिलेटेड भी मैं आपके साथ तो सब ज़रूर शेयर करूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना भी ख्याल रखिएगा। ओके ऑडियंस, अल्लाह हाफिज़।